अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो आ रही है कुवैत फील्ड हॉस्पिटल से। दोस्तों कुवैत में बहुत ही एक बड़ा हॉस्पिटल है कुवैत फील्ड हॉस्पिटल। दोस्तों वहां के जो डायरेक्टर है मोहम्मद अल हुमैदी साहब ने ये कंफर्म कर दिया कि जितने भी वहां पे कोविड के वार्ड बनाया गया था वो सभी कोविड वार्ड को दोस्तों बंद कर दिया। यानी दोस्तों 8 वार्ड उसमें तैयार किया गया था कोविड 19 के मरीजों को रखने के लिए। पर दोस्तों अच्छी खबर वहां से यह है कि सभी वार्ड से दोस्तों एक भी पेशेंट अब नहीं बचा है, बिल्कुल सभी का सभी खाली हो चुका है। तो दोस्तों ये काफी अच्छी संकेत है और डॉक्टर साहब ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या है, वहां हर हॉस्पिटलों से कोविड के जितने मरीज थे वहां पे खाली हो रहे हैं और वार्ड को बंद किया जा रहा है। अगली जो अपडेट आ रही है सम हेल्थ कर, दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दोस्तों ये कंफर्म किया है कि वहां पे कुछ चीजों में दोस्तों जो वहां पे रिस्ट्रिक्शन अभी भी वहां पे लागू रहेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि मस्जिद में जैसे रिस्ट्रिक्शन पहले से था वैसा ही रहेगा, जैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके नमाज पढ़ते थे उसी तरह नमाज पढ़ी जाएगी। मास्क वगैरह पहन के नमाज पढ़ना है, मस्जिद में मास्क वगैरह लगा के आना है। तो दोस्तों जो नियम फिलहाल अभी था इस महीने भी वही रहेगी, कुछ भी बदलाव फिलहाल अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि कुवैत हुकूमत ये चाहती है कि पूरी तरह से कोरोना वायरस जो है वो कुवैत मुक्त हो जाए। तो दोस्तों जो पाबंदियां थोड़ी बहुत थी वो पाबंदियां रहेगी, उसमें छूट अभी नहीं दी गई है। अगली जो खबर साथियों आ रही है वो फ्लाइट को लेकर आई है। तो कुवैत एयरवेज की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है, जो वहां के जो एम्बेसडर है अजरबैजान के, वहां के जो एम्बेसडर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अखलाकमन घरमन रिवेल, दोस्तों बताना चाहूंगा बाकू की जो फ्लाइट है जो अजरबैजान में पड़ता है वो बहुत ही जल्दी दोस्तों वो फ्लाइट को चालू करने की वहां पे बातचीत की जा रही है। दोस्तों काफी दिनों से ये फ्लाइट जो है वो बंद था पर फाइनली फैसला ये लिया गया इस फ्लाइट को अब चालू किया जाएगा। तो दोस्तों अजरबैजान में जो फ्लाइट फिलहाल बंद था वो बाकू के लिए फ्लाइट को स्टार्ट करने की संभावना बहुत ही जल्दी दिखाई दे रहा है। अगली जो खबर आ रही है नेपाली दंपति ने अपनी नवजात को कूड़े के डिब्बे में फेंका। दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, दिल दहलाने वाली खबर है। साथियों बताना चाहूंगा आपको, एक नेपाली एक फैमिली ने अपने नवजात बच्चे को वो कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसके बाद दोस्तों वहां पे किसी के नजर पड़ी। फिलहाल दोस्तों उस सीसीटीवी कैमरा से जब देखा गया तो मालूम चल गया दोस्तों वो फेंकने वाला कौन था। फिलहाल वो नेपाली शख्स निकला, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर दोस्तों कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब दोस्तों इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं लोग की दिल कितना पत्थर हो चुका है कि अपने बच्चे को वो कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब दोस्तों वो क्यों फेंका नहीं फेंका इस पे पूछताछ अभी जारी है, जैसे ही कोई इस पे रिपोर्ट आएगी क्यों फेंका गया था इसके बारे में आप तक शेयर जरूर करूंगा। अगली जो खबर साथियों आ रही है ब्रोकरेज कंपनी पे उल्लंघन के लिए जुर्माना। दोस्तों बताना चाहूंगा कैपिटल मार्केट्स RHT ने घोषणा की है कि अनुसूचित बोर्ड ने एक वंज ब्रोकरेज कंपनी पर दोस्तों लगभग वहां पर जुर्माना लगाया जो कि लॉन्ड्रिंग एंड आतंकवाद के विनियमों को उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। उस राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों को कारकों से बाहर रखा गया है। दोस्तों वहां पर एक ब्रोकरेज कंपनी है जो कि काफी मात्रा में दोस्तों वहां पे करीब करीब 1000 से लेकर 10000 कुवैती दिनार तक का वो फ्रॉड कर चुका था, जिसके वजह से वहां पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे जुर्माना भी लगाया गया है। साथियों अगली जो खबर आ रही है साथियों वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से बताया गया साथियों कि वहां पे भारी मात्रा में वहां को ड्रग्स को वहां पे सीज किया गया है जो कि अरब हाउस जलीब अल सुयख में पाया गया। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया गया है, फिलहाल सभी को सीज कर लिया गया, जो भी लोग इसमें शामिल थे गिरफ्तार कर लिया गया। ये कौन थे, एक्सपर्ट थे या फिर वहां के नागरिक थे, इसके बारे में खुलासा भी नहीं किया गया। दोस्तों फिलहाल अभी जितने वहां पे ड्रग्स को बरामद किया गया सभी को सीज कर लिया गया, जो शख्स इसमें शामिल थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।